यानी हर मौके पर वो रिमाइंड करता है आपका कॉन्शंस हर मौके पर रिमाइंड करता है कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है क्या रॉन्ग है क्या चीज़ राइट है ये याद दिलाता है जहाँ तक फ्री विल की बात है तो वो अपनी जगह पर है यानी इनमें दोनों में से कोई भी एक दूसरे को वॉलिश नहीं करते इंसान को टेस्ट के लिए फ्रीडम दिया गया है एब्सोल्यूट सेंस में एब्सोल्यूट सेंस में इसी के साथ साथ खुदा ने दो इंतज़ाम किए हैं यानी गाइडेंस के लिए एक तो अंदर कॉन्शंस है जो रिमाइंड करता है इंसान को तो उससे प्रॉफिट जो बाहर से बताते हैं जो तो फ्री विल इंडिपेंडेंटली काम करता है आदमी के अंदर कुछ लोग ग़लत की बातें करके लोगों को खाम ख़ो कन्फ्यूजर में डालते हैं जैसे एक आदमी जिसने मर्डर किया उसने कहा कि साहब मैं तो इसी में कंडीशन हो गया था मेरे बाप ने मर्डर किया था मेरे दादा ने मर्डर किया था तो मैं समझ मैं समझने लगा कि मर्डर को बड़ी अच्छी चीज़ है ये सब देखिए छोटी बातें हैं ये सब कहने के लिए कहा जाता है इनमा या कलम तन हुआ कायल हुआ ये कोई दिल की बात नहीं होती है इसी दिल्ली में एक साहब हैं जो केसेस करते हैं क्रिमिनल केसेस करते हैं उन्होंने कहा कि मैं 25 साल से केस कर रहा हूँ क्रिमिनल केसेस कर रहा हूँ और बहुत से लोग जो 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 मर्डर किया उनके केस बने किए हैं उन्होंने कहा मुझसे यहीं वो रहते हैं किंग्स किंग्स किंग में कि मैंने आज तक किसी कत्ल करने वाले को नहीं पाया जिसके अंदर ये एहसास न हो कि मैंने गलत काम किया मर्डर करने के बाद उसके अंदर एहसास रहा कि मैंने गलत काम किया तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं तो में कंडीशन हो गया था और मर्डर करने को मैंने अच्छा समझ लिया था ये झूठी बात है वो ये लिप सर्विस है वो किसी कॉन्शियस मर नहीं सकता कॉन्शियस हमेशा ज़िंदा रहता है हमेशा वो रिमाइंड करता है तो देखिए दो अलग अलग, अलग फोर्सेस हैं एक तो है इंडिपेंडेंट फ्रीडम तो मेरा फ्रीडम जो है अपनी जगह पर हमेशा कायम रहेगा तो क्योंकि आप फ्रीडम मुझे दिए खुदा ने लेकिन साथ साथ खुदा ने जो इंतज़ाम किया है एक अंदर एक बाहर अंदर से कॉन्शियस जगाता है बाहर से प्रॉफिट बताता है इसी दो के बीच में इंसान होता है